प्रदेश के जनपद अमरोहा में महिलाओं और छात्राओं का घर से निकलना दुश्वार हो गया है। नाबालिग युवती अपने खेत पर चारा लेने के लिए गई थी, जहां पर चार युवकों ने नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म किया और उसकी आपत्तिजनक वीडियो भी बना ली। वीडियो के आधार पर नाबालिग युवती को 5 महीने से चारों युवक ब्लैकमेल कर लगातार दुष्कर्म करते रहे। बता दें कि मामला अमरोहा के थाना डिडोली क्षेत्र का है। नाबालिग युवती का आरोप है कि वह खेत से चारा लेने गई थी। यहां चार युवकों ने नाबालिग के साथ दुष्कर्म किया और आपत्तिजनक वीडियो बनाकर युवती के साथ लगातार 5 महीने से दुष्कर्म करते रहे। नाबालिग युवती डरी सहमी 5 महीने से इस दर्द को चुपचाप सह रही थी, लेकिन अचानक युवती की तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद सारी घटना का राज खुलकर सामने आ गया। आपको बता दें कि हाल ही में एक मामला हसनपुर थाना क्षेत्र का है, जहां 11वीं क्लास की छात्रा का शव गन्ने के खेत में मिला। युवती के साथ दुष्कर्म करने के बाद हत्या कर शव को गन्ने के खेत में फेंक दिया गया। पुलिस अभी उन वहशी दरिंदों को नहीं पकड़ पाई और अब जनपद के ढिडोली कोतवाली इलाके के एक गांव में गैंगरेप का मामला सामने आ गया, जहां 5 महीने से चार युवक नाबालिग युवती के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दे रहे थे। सवाल यह किया जा रहा है कि बेटियों की सुरक्षा सिर्फ हवा हवाई है। अमरोहा जिले में हो रहे बेटियों पर अत्याचार उत्तर प्रदेश सरकार के आदेशों को कटघरे में खड़ा करते नजर आ रहे हैं। अच्छा, फिर मेरे साथ गलत काम करा, एक जाग रहे था, एक आग रहे था। क्या कहा तुमने? 4-5 महीने। अच्छा, किस आपको क्या धमकी दी थी उन्होंने? मुगाई दिया ना, क्या मैं अपने माँ बाप को बताई तो तुझे जान से मार लूं। अच्छा, फिर क्या हुआ? वीडियो बनाई थी। अच्छा। और क्या मैं समय ला दूँ उतना किसी से कहीं तक जा कर रही थी, मेरे लौंडिया को धमका देवे था। 4-5 महीने हो गए और मुझसे ये बोली जब घर जाकर कोई कह दोगे ना तो जान से मार दूंगी और गलत काम करूंगी तुम्हारे लौंडिया के साथ। अच्छा। और एक मुरारी है, एक सुंदरी है, एक सिकंदर है और एक विनोद। आपकी लड़की? मेरे लड़की को धमकी ये दे कर रहा था, जब जंगल को जावे थी तो जंगल में जाकर बहुत काम करा और बोला जब घर कोई बात बता दोगे अपनी माँ बापों से तो जान से मार दूंगी और सब में वो कर दूंगी। अच्छा, क्या धमकी दी थी आपकी लड़की को, आपको परिवार को, क्या धमकी दी थी? परिवार से जाके कहोगे तो जान से मार दूंगी और परिवार के पता चल गया ना तो खाट पे से उठवा लूंगी। क्या कोई आप और वीडियो बना के और अपने मोबाइल में वो कर दी, सब में फैला दी। फैलाने की बात कही? हाँ, जो फैला दूंगी और सबसे कहूंगी। अब क्या चाहती? नाबालिग छात्रा के साथ गैंगरेप हुआ, क्या मामला? ये अमरोहा जनपद के डोली थाना क्षेत्र में एक 12 वर्षीय नाबालिग ने तहरीर दिया है कि करीब 5 महीने पहले जब वो खेत में चारा लेने गई थी तो उसके साथ कुछ लोगों ने दुराचार किया और उसकी वीडियो बना ली थी। बाद में वो लोग धमकी दे देकर उसके साथ लगातार रेप करते रहे, जिससे वो 3 महीने की प्रेग्नेंट है। इस सूचना पर थाने पर अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है, विवेचना की जा रही है, मुख्य अभियुक्त गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। JBD Banquets लाए हैं Incredible Marriage Palace Rajgharana and the finest banquet hall Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.